हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बाय छवि सर। चैनल पर आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं महेश दत्तानी और इनके प्ले सेवन स्टेप्स अराउंड द फायर से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का पार्ट थर्ड। दोस्तों, इसके पहले मैं महेश दत्तानी की बायोग्राफी और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के दो पार्ट अपलोड कर चुका हूँ। जिस किसी ने ये वीडियोज न देखे हों तो वह BA 6 सेमेस्टर नाम से बनी हुई प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज को देख सकता है। सो लेट्स स्टार्ट द MCQs क्वेश्चंस पार्ट थर्ड। आइए पार्ट थर्ड का पहला क्वेश्चन देखते हैं। और पहला क्वेश्चन है, महेश दत्तानी इज द इंडियन इंग्लिश प्लेराइट टू विन साहित्य एकेडमी अवार्ड। महेश दत्तानी क्या है? चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए फर्स्ट, ऑप्शन बी थर्ड, ऑप्शन सी सेकंड, ऑप्शन डी फोर्थ। तो महेश दत्तानी इज द फर्स्ट इंडियन इंग्लिश प्लेराइट टू विन साहित्य एकेडमी अवार्ड, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, महेश दत्तानी डिड हिज पोस्ट ग्रेजुएशन इन। महेश दत्तानी ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया था। चार ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चयन करना है। तो मार्केटिंग एंड एडवर्सिटिंग मैनेजमेंट, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। महेश दत्तानी ने मार्केटिंग एंड एडवर्सिटिंग मैनेजमेंट में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, महेश दत्तानी बिगेन हिज करियर। महेश दत्तानी ने अपने करियर की शुरुआत की। तो ये चार ऑप्शंस हैं, चारों ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चयन करना है। तो जो महेश दत्तानी थे, उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एज ए कॉपी राइटर के रूप में करी, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर फोर, हु हैज इलिसिट रिलेशनशिप विद कमला। किसके? कमला के साथ इलिसिट रिलेशनशिप थे, यानी अवैध संबंध थे। तो दोस्तों, यदि आपने सेवन स्टेप्स अराउंड द फायर की कहानी पढ़ी है तो आपको इसका आंसर पता होगा कि जो सुब्बू था उसके इलिसिट रिलेशनशिप थे कमला के साथ, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, सुरेश फादर इज, यहां आपको फिल करना है, इन द प्ले सेवन स्टेप्स अराउंड द फायर। सुरेश के पिता सेवन स्टेप्स अराउंड द फायर में क्या है? तो सुरेश के पिता सेवन स्टेप्स अराउंड द फायर, ये जो प्ले है उसमें डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस के रूप में दिखाए गए हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट प्रोनाउन डज उमा यूज फॉर अनारकली। उमा ने किस प्रोनाउन का प्रयोग किया अनारकली के लिए? ही का, सी का, इट का, या नन ऑफ दीज का? तो दोस्तों, उमा ने अनारकली के लिए सी प्रोनाउन यूज किया है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर सेवन। और क्वेश्चन नंबर सेवन है, व्हाट प्रोनाउन डज मनस्वामी यूज फॉर अनारकली। जो मनस्वामी है उसने अनारकली के लिए किस प्रोनाउन का यूज किया? तो मनस्वामी ने अनारकली के लिए इट प्रोनाउन का यूज किया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोस्तों, सेवन स्टेप्स अराउंड द फायर प्ले में ये जो मनस्वामी हैं, ये एक कॉन्स्टेबल हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी क्वेश्चन नंबर नाइन, फ्रॉम होम डिड उमा बोरो मनी फॉर अनारकली बेल। अनारकली की बेल कराने के लिए उमा ने किससे पैसे उधार लिए थे? बोरो का मतलब होता है उधार लेना। तो
अनारकली की बेल कराने के लिए ओमा ने अपने पिता से यानी हर फादर से बेल के लिए पैसे उधार लिए थे। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अनारकली एंड कमला, यानी अनारकली और कमला के बीच में क्या रिलेशन थे। तो अनारकली और कमला के बीच में सिस्टर्स का रिलेशन था, बहन का रिलेशन था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द सेवन स्टेप्स अराउंड द फायर इन द प्ले। प्ले में यानी सेवन स्टेप्स अराउंड द फायर में सिग्निफिकेंस बताना है, महत्व बताना है। चार ऑप्शंस हैं, चारों ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन का सही चयन आपको करना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, अ ट्रेडिशनल हिंदू रिचुअल, यानी परंपरागत हिंदू रीति रिवाज इसमें दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, दतानीज सेवन स्टेप्स अराउंड द फायर पब्लिश्ड इन, दतानी का ये जो प्ले है सेवन स्टेप्स अराउंड द फायर, ये कब पब्लिश्ड हुआ था। तो 1998 में सेवन स्टेप्स अराउंड द फायर पब्लिश्ड हुआ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आज का आखिरी क्वेश्चन है, विच प्ले ऑफ महेश दतानी इज रिटन फॉर बीबीसी, बीबीसी के लिए कौन सा प्ले महेश दतानी के द्वारा लिखा गया। तो दोस्तों, ये जो सेवन स्टेप्स अराउंड द फायर है, ये प्ले महेश दतानी ने लिखा बीबीसी के लिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों, ये था आपका पार्ट थर्ड। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इंग्लिश बाई छवि सर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप कोई भी इम्पॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर सकें। दोस्तों, वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, और जहाँ रहिए प्रसन्न रहिए। और हाँ, आप अपना और साथ साथ अपनों का भी ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।